बिना किसी समझौते के। जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान के जयपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब आधे घंटे के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि भूकंप के 3-3 झटके महसूस किए गए। कुछ लोगों ने तो इतने ज्यादा डर गए कि गलियों में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ तक करने लगे। हालांकि भूकंप की वजह से किसी के हताहत या किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं। इनकी तीव्रता 3.4 और 4.4 के बीच मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक राजस्थान के जयपुर में 4.4 तीव्रता के भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। पहला झटका सुबह 4:09 पर महसूस किया, जबकि दूसरा झटका 4:23 पर और तीसरा 4:25 पर आया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इसके बारे में ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सुरक्षित होने की उम्मीद भी की थी। भवानी मंडी में सकल जैन समाज द्वारा गुरुवार को नगर बंद का आह्वान किया। दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष विजय जैन जुली ने बताया कि कर्नाटक राज्य के जिला बेलगाम के चिकोड़ी में जैन तीर्थ क्षेत्र में नंदी पर्वत पर विराजित दिगंबर जैन मुनि आचार्य 108 काम कुमार नंदी जी महाराज के साथ विगत 5 जुलाई को वे निर्मम हत्याकांड को लेकर संपूर्ण देश का हिंसा प्रेमी जैन समाज में आक्रोश व्याप्त, जिसे लेकर सकल जैन समाज द्वारा सर्वसहमति से नगर बंद का निर्णय किया। शाहबाद में पिछले दिनों कर्नाटक में हिंसा और शांति के मार्ग पर चलने वाले दिगंबर जैन मुनि काम कुमार नंदी की कर्नाटक में अपहरण कर हत्या कर दी गई। अपन में बताया कि अहिंसा का संदेश देने वाले जैन मुनि की हत्या से ना जैन समाज बल्कि सारे देशवासी आज आहत है। मकराना में जैन समाज को आचार्य श्री निर्मम हत्या का समाचार मिला, सभी स्तब्ध रह गए। संपूर्ण जैन समाज में भारी रोष व्याप्त है। निवेदन करते हैं कि उक्त घटना की जांच करवा दी जाए और आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए व भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कठोर कदम उठाए जाए। मकराना से 100 महिलाओं का ग्रुप ट्रेन से मकराना से उज्जैन महाकाल दर्शन करने रवाना हुआ। सावन से अधिक मास के स्नान को शुभ मानते हुए महिलाओं का संग मकराना से उज्जैन के लिए रवाना हुआ। बताया कि मास के महीने में भगवान उज्जैन महाकाल के दर्शन करने का बहुत बड़ा महत्व बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि महीने में महाकाल के दर्शन में स्नान को बहुत शुभ मानते हैं। भीलवाड़ा कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत पीपलकेणी में सरपंच ने दबंगई दिखाते हुए करीब 10 लाख की लागत से हनुमान मंदिर में शमशान घाट तक बने खरंजे को जेसीबी की सहायता से उखाड़कर दर्जनों ट्रॉली पत्थर अपने निजी काम के लिए लगाए। दर्जनों ट्रॉली पत्थर खिरिया काली माता मंदिर परिसर में ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए समुदाय भवन की 4 दीवारी में लगाया जा रहा है। खरंज
दर्जे के पत्थर निकालकर उक्त स्थान पर चारागाह भूमि से जेसीबी की सहायता से मिट्टी खोदकर डाली जा रही है। ग्रामीणों ने लिखित में विकास अधिकारी को शिकायत दी थी। चंदेरी में जैन समाज के द्वारा भारत वर्ष में 20 तारीख को बंद के आह्वान पर चंदेरी में भी बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। मुनि काम कुमार नंदी जी के महाराज का अपहरण किया था, उसके पश्चात हत्या कर दी गई, जिसके संदर्भ में कुछ दिन पहले समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया था। और नाई समाज की मांगों को पूरा किया गया और इसी के चलते संपूर्ण भारत में 20 तारीख को जैन समाज के द्वारा संपूर्ण बाजार के बंद का आह्वान पर नगर चंदेरी में भी समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद किया गया। जहां एक तरफ जैन समाज के समस्त संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं मुस्लिम समाज के अध्यक्ष इदरीस खान पठान ने इस प्रकार से मुनि हत्या की निंदा की है। गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 ध्वनिमत के साथ पारित हो गया। इससे पहले चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस बिल के बहस पर जवाब दिया। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में कांग्रेस सरकार के राज्य में साल 2019 से लेकर 2023 तक प्रदेश के सभाओं के साथ प्रदर्शन की 306 घटनाएं हुई। धारीवाल ने वसुंधरा राज्य सरकार के दौरान नवंबर 2016 की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि एक दिन की चर्चा में इस दरमियान डेड बॉडी के साथ होने वाले प्रदर्शन को लेकर कानून की मांग तब भी की गई थी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इससे पहले बहस के दौरान कहा था कि यह कानून मीसा और डीआरआई जैसे कानून की याद दिला रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के लिए एक और झटका। नागालैंड में सभी 7 एनसीपी विधायकों ने पार्टी के अजीत पवार गुट को समर्थन पत्र भेजा। उत्तर पूर्वी राज्य के सभी 7 एनसीपी विधायक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पक्ष में हैं। वांतगुओ ओडुओ ने कहा कि उन्होंने समर्थन के सभी कागजात गुरुवार सुबह लकवान को सौंप दिए। उनके राजनीतिक पैंथरे ने उनका चाचा शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी को विभाजित कर दिया और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण बदल दिए। जयपुर में गुरुवार देर रात प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक बार फिर राजस्थान लोकसभा के अधिकारियों के तबादले किए। जयपुर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे आशीषदीप खाचरियावास पर एक होटल में तोड़फोड़ करने और गेस्ट से मारपीट के आरोप को लेकर अब सियासी गलियारों में भी बयानबाजी तेज हो गई। खुद प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि इस मामले में गलत तरीके से पेश किया गया। खाचरियावास का आरोप है कि जिस युवक को पीड़ित बताया जा रहा है वो होटल में खाना खाने अपनी पत्नी के पति के साथ आई एक महिला से छेड़छाड़ कर रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके बिना डरे बिना कि